और विशेषकर माताओं से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी बच्चों को नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने का, 10 मिनट 15 मिनट पूजा करने का अभ्यास अभी से कराएं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जितनी धर्म विषयक जानकारी आपको है आपकी अगली पीढ़ी को उतनी नहीं है। प्रतापगढ़ जनपद में आए हुए हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठजन, सभी माताएं, आप सभी का अभिवादन। सनातन बचाना और जी रखना, ये हम सभी लोगों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं। और जैसे कोई रोगी हो, वो वैद्य के पास जाए, वैद्य उसकी नाड़ी देख करके उनको औषधि दें, तो लाभ उस रोगी को तभी होगा जब वैद्य के बताए के अनुसार वो उसका सेवन करे। ठीक उसी तरह हमको सन्मार्ग दिखाने के लिए, भगवतोन्मुख करने के लिए, ईश्वरोन्मुख करने के लिए, धर्म के भाव को प्रगाढ़ करने के लिए आज श्रद्धेय अनूप देव जी महाराज पधारे हैं, और इनसे हमारे जीवन में लाभ तभी होगा। नित्य हमको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा कि आपकी कथा श्रवण करें, नित्य भागवत सुनने का भी सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन इन 7 दिनों में 9 दिनों में जो आपने बताया है उसका हम अब कितना अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में उसको कितना ढालते हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और विशेषकर माताओं से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी बच्चों को नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने का, 10 मिनट 15 मिनट पूजा करने का अभ्यास अभी से कराएं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जितनी धर्म विषयक जानकारी आपको है आपकी अगली पीढ़ी को उतनी नहीं है, तो इसके दोषी हम सब लोग हैं और इसका उपचार भी हमारे ही हाथ में है। हम ही अपनी अगली पीढ़ी को बताएंगे, सुनाएंगे, तभी वो उस ओर अग्रसर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः श्रद्धेय अनूप देव जी महाराज का हम सभी लोगों की तरफ से स्वागत करते हैं, और एक बार पुनः गुड्डू जी और उनके समस्त परिवार को, आदरणीय जनार्दन जी को, जिनके कृपा से, जिनके प्रयास से सभी क्षेत्रवासियों को श्रीमद् भागवत का श्रवण ये सुलभ हो सका है, आप सभी लोगों को हृदय से आभार। हर हर महादेव।